यूं तो परिवहन विभाग के कार्यालय में रिश्वत का लेन देन आम बात है, लेकिन पिछले सप्ताह सामने आए एक मामले ने परिवहन विभाग के निचले स्तर से लेकर उच्च अधिकारियों को भी सख्ती में डाल दिया है। फर्जीवाड़ा एक वीआईपी नंबर के लिए हुआ है, जिसके लिए कार मालिक जिसकी मौत हो चुकी है उसके फर्जी हस्ताक्षरों से कार को बेच दिया गया। कैसे हुआ ये पूरा खेल, कौन कौन है लोग शामिल, देखिए खास रिपोर्ट। आरटीओ के फॉर्म में आत्मा ने कर दिए साइन, जयपुर आरटीओ के कर्मचारियों ने कर डाली हद। पुरानी कार बेचने के दौरान सामने आई मिली भगत, अजब आरटीओ का गजब कारनामा, RRF 0001। किसी कार का अगर कोई ऐसा वीआईपी नंबर हो तो यह अपने आप ही आकर्षित कर लेता है। ये नंबर एक पुरानी मारुति 800 कार का है, जो आज से 31 साल पहले 10 अप्रैल 1988 को पहली बार पंजीकृत की गई थी। परिवहन विभाग से जुड़े विशेषज्ञों की माने तो आज किसी भी नई सीरीज में वीआईपी नंबर 0001 के लिए आमतौर पर 7 से 8 लाख रुपए की बोली लगती है, लेकिन चूंकि RRF 0001 नंबर हेरिटेज की श्रेणी में शामिल है, ऐसे में इस नंबर की कीमत और भी बढ़ जाती है। पूर्व में ये कार पिलानी के नेहरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के नाम से पंजीकृत हुई थी। इसी कार को लेकर ये पूरा फर्जीवाड़ा हुआ है। कार बेचने से पहले 23 जुलाई 2019 को एक्सपायर हो चुकी कार की आरसी को रिन्यू करवाया गया। अब इस कार की आरसी 22 जुलाई 2024 तक वैध है। 4 सितंबर 2019 को इस कार का बेचान फॉर्म प्रस्तुत किया गया, फीस जमा हुई। आरटीओ कार्यालय के बाहर बैठने वाले एक दलाल ने आरटीओ कार्यालय के कर्मचारियों से मिली भगत कर इस कार का बेचान जयपुर के आदर्श नगर निवासी जाकिर अली नाम के व्यक्ति के नाम कर दिया है। नेहरा बिल्डर्स की ओर से दीपेंद्र नेहरा पुत्र नंदलाल नेहरा के फर्जी हस्ताक्षर किए गए। फर्म का दूसरा पार्टनर बता बनारती देवी पत्नी नंदलाल नेहरा के हस्ताक्षर किए गए। बड़ी बात ये है कि फर्म के अधिकृत व्यक्ति दीपेंद्र नेहरा की इसी साल फरवरी माह में मृत्यु हो चुकी है। ये जो किसी फर्म के नाम पंजीकृत गाड़ी थी और जिसमें से एक पार्टनर है उसकी मृत्यु हो चुकी है। ये जानकारी मिलते ही हमने जो है उसके ट्रांसफर से संबंधित जो कागजात थे ऑफिस के अंदर पेश किए थे, उस पर कोई कार्रवाई हमने नहीं करी है। और विक्रेता फर्म को हमने पत्र कारण बताओ नोटिस भेजा है कि भाई अगर ऐसी कोई बात है तो वो अपना अभ्यावेदन कार्यालय में 7 दिवस से प्रस्तुत करे, अन्यथा आरसी कैंसिल करने की कार्रवाई की जाए। इस पूरे मामले में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि कार का बेचान करते समय वाहन के बेचानकर्ता व्यक्ति को क्यों नहीं बुलाया गया। इस लेकर जयपुर आरटीओ के गैर परिवहन शाखा के अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यशैली को लेकर सवालिया निशान खड़े हो गए। यही नहीं, परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बेचान के आधार पर नई आरसी भी बना दी है। विभाग के उच्च अधिकारियों को जब लिखित में ईमेल पर शिकायत मिली तब उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने के लिए खरीदार के नाम 6 सितंबर को नोटिस जारी किया। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर आरसी का हस्तांतरण निरस्त कर दिया जाएगा। बड़ा सवाल ये भी है कि कार को पिलानी से जयपुर लाए बिना ही इसका वेरिफिकेशन कैसे कर दिया गया। वही कार का बेचान करने वाले नेहरा बिल्डर्स को अब तक विभाग ने कोई सूचना नहीं दी है, ना ही जानकारी मांगी गई है। देखना होगा किस काले खेल में शामिल लोगों के खिलाफ परिवहन विभाग FIR दर्ज करवाएगा या फिर अन्य धांधलियों की तरह इसे भी रफा दफा कर दिया जाएगा। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जयपुर से काशीराम चौधरी की रिपोर्ट।